Hello student, I am Amit. In this video we are going to start chapter 2 of your math book, which name is exponent. So when a number is expressed in the form of a power m, then a power m is called exponential form. When a is the base and where a is the base and m is the exponent. Okay, जब भी कोई number a power m के form में लिखी होगी तो उसको हम exponential form बोलेंगे, where a is called base and m is called exponent of base a. Clear? Now we will understand some laws of exponent. Rule 1, a power m cross a power n equals to a power m plus n. Means, अगर base same होंगे तो power add हो जाएंगी. Okay? Single base पे. Bases same होंगे तो power add हो जाएगी. A power m cross a power n equals to a power m plus n. The rule second, a power m divided by a power n equals to a power m minus n. Clear? A power m divided by a power n equals to a power m minus n. जब base same होंगे लेकिन divide में होंगे तो power जो होंगी उनकी minus हो जाएंगी. Clear? Third, a power m power n. A power m power n. Then a power m cross n. Clear? नंबर के ऊपर पार, उसके ऊपर पार, तो इन केस ऑफ पार 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 विल बी मल्टीप्लाई. ओके, नाउ फोर्थ रूल, ए पार एम क्रॉस बी पार एम इक्वल्स टू ब्रैकेट ए क्रॉस बी पार एम. व्हेन द एक्सपोनेंट्स आर सेम बट बेसिस आर डिफरेंट, देन इन दैट केस यू हैव टू राइट ए क्रॉस बी पार एम. सेम पार तो डिफरेंट है नहीं, वेरी कर नहीं रही है, तो वो सेम पार लिख देंगे और जो डिफरेंट डिफरेंट बेसिस है उनको मल्टीप्लाई करके आप लिखोगे एक ब्रैकेट में. क्लियर? द रूल नंबर 5, ए पार एम डिवाइडेड बाय बी पार एम, सो वी कैन राइट दिस इज एज ए बाय बी पार एम होल पार एम, बिकॉज बोथ हैज अ पावर एम, सो वी कैन राइट ए बाय बी पार एम. नाउ ए पार बी, ए बाय बी पार माइनस एम, so we can write this as b by a power m. जब आप इसका reciprocal करोगे तो negative power positive बन जाएगी. clear? now seventh rule, a power zero equals to one. किसी की power zero one होगी, किसी की power zero one होगी. ठीक है? so with the help of these rules of exponent we will solve problem of exponent chapter. now the exercise 2.1. क्वेश्चन नंबर 1, फॉर आ जीरो, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी, ए पार्ट आप खुद करना, बी पार्ट मैं कराता हूं. पार्ट बी, फॉर अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एक्स, एक्स पार ए डिवाइडेड बाय एक्स पार बी इज इक्वल टू, किसी नॉन जीरो रेशनल नंबर के लिए एक्स पार ए डिवाइडेड बाय एक्स पार टू इज इक्वल टू. तो आप पहले पढ़ा रखा है कि अगर बेसिस सेम होते हैं पावर और डिवाइड में होते हैं तो पावर क्या होती है, सब्सट्रैक्ट हो जाती है. तो सिमिलरली वही केस होगा, आप पहले ऐसे क्वेश्चन लिखोगे, फिर बेस सेम रखोगे, फिर उनकी जो पावर्स होंगी या एक्सपोनेंट्स होंगे उनको आप सब्सट्रैक्ट कर लोगे. सो एक्स पार 8 माइनस 2 वी गेट एक्स पार 6. क्लियर? नाउ द वैल्यू ऑफ 3 माइनस 7 क्रॉस 3 8 प्लस क्रॉस 3 पार माइनस 11 क्रॉस 3 पार 9. So here we all have a base 3 and the power with plus and minus sign and we have a multiply between each 3. Okay, so in a case of multiply power will be add. Okay, so minus 7 plus 8 minus 11 plus 9, after solving we get 3 power minus 1, we get 3 power minus 1 over or 1 by 3, we get minus 1 or overall 1 by 3. Okay, D, if 7 power 12 equals to 7 power minus 3 by x, so agar aapke bases same honge to power compare kar li jati hai. If the bases are equal then power will be compare. So 12 equals to minus 3x, we get x equals to minus 4. Clear? Now question number 2, find the multiplicative inverse. Multiplicative inverse ka dusra naam kya hai? Reciprocal of following. So first part 3 power 2, so multiplicative inverse of 3 power 2, iska reciprocal is 1 by 3 by 2, 1 upon 3 power 2. 3 power 2 means 1 upon 9. Clear? Now B part,
माइनस फोर पावर सिक्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस फोर पावर सिक्स इक्वल टू वन अपॉन माइनस फोर पावर सिक्स, माइनस फोर पावर सिक्स, क्लियर। नाउ सी पार्ट, टेन पावर माइनस थ्री, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ टेन पावर माइनस थ्री इक्वल टू वन अपॉन टेन पावर प्लस थ्री, क्लियर। ओके, नाउ माइनस हियर वी हैव डी ई एफ जी पार्ट, ऑल दीज क्वेश्चन विल बी होमवर्क फॉर योर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, एवेल्युएट ए पार्ट टू पावर माइनस फाइव, सो वी कैन रिटर्न टू पावर माइनस फाइव एज वन अपॉन टू पावर फाइव एंड ऑल सॉल्विंग वी गेट वन अपॉन थर्टी टू, क्लियर। माइनस फाइव पावर माइनस फाइव, सो वी कैन राइट माइनस फाइव पावर माइनस फाइव इक्वल्स टू वन अपॉन माइनस फाइव पावर फाइव, वी विल रिटर्न एज इट एज वन अपॉन थ्री वन टू फाइव, फाइव पावर फाइव थ्री वन टू फाइव एंड माइनस माइनस पावर ऑड वी गेट माइनस टू बाय थ्री पावर माइनस टू, सो वी कैन राइट दिस एज थ्री बाय टू पावर प्लस टू एंड ऑन सॉल्विंग वी गेट नाइन बाई फोर क्यूब ऑफ माइनस वन बाई फोर, सो माइनस वन बाई फोर क्यूब इक्वल टू माइनस क्यूब माइनस वन एंड फोर क्यूब वी गेट सिक्सटी फोर। ई पार्ट आपके लिए होमवर्क होगा, माइनस फाइव बाई एट पावर माइनस थ्री। ओके, वी विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन्स क्वेश्चन नंबर फोर इन द नेक्स्ट वीडियो, क्लियर। थैंक यू।